Hello everyone, today we will do the exercise of lesson 1, Another Chance. Today's first question is, why do we wish for another chance? हमें दूसरे chance की, यानी के मौके की आवश्यकता क्यों होती है? The answer is, to correct our mistakes, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, in order to make a new beginning, एक नई शुरुआत करने के लिए, we wish for another चांस हमें दूसरे मौके की आवश्यकता होती है. Now the second question is, what does it take to make a brand new start? नई शुरुआत करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? The answer is, we need to have a strong desire. Desire मतलब इच्छा शक्ति. तो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति to try once again with all heart और अपने दिल से पूरी दोबारा से कोशिश करने से ही टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट हम नई शुरुआत कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिसअपीयर? हमें निराशा के समय उम्मीद क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? वी शुड नेवर गिव अप इन डिसअपीयर बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ होप टू स्टार्ट एवरीथिंग अफ्रेश. क्योंकि हमेशा ही एक उम्मीद बनी रहती है हर चीज को दोबारा से शुरू करने की, इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए. टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम? इस कविता से आपको क्या सीखने को मिला? ऑल्दो वी कमिट मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं एंड फेस फेलियर और फिर फेलियर का सामना करते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ होप, लेकिन हमेशा ही एक उम्मीद बनी रहती है फॉर अ नेक्स्ट चांस इन आवर लाइफ, अपने जीवन में एक और मौके की. वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन ये सब पाने के लिए हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए. टू ट्राई, ताकि हम कोशिश कर सके एंड मेक आवर लाइफ एंड आवर वर्ल्ड बेटर, और अपने जीवन और इस विश्व को बेहतर बना सके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वी हैव टू राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. यहाँ पे हमें उल्टे शब्द लिखने हैं. फर्स्ट वन इज सक्सेस. सक्सेस मतलब सफलता, और उसका उल्टा होता है फेलियर. सेकेंड इज ओल्ड. ओल्ड मतलब पुराना, और उसका उल्टा हो गया न्यू. थर्ड इज शैलो. शैलो मतलब उथला, यानी कि ऊपरी सतह, और उसका उल्टा होता है डीप. डीप मतलब गहरा. नेक्स्ट वन इज नेवर. नेवर मतलब कभी नहीं, और उसका उल्टा है ऑलवेज. ऑलवेज यानी हमेशा. नंबर फाइव एंड. एंड मतलब खत्म, अंत, और उसका उल्टा होता है बिगनिंग, यानी के शुरुआत. नंबर छह पे है डिसअपीयर. डिसअपीयर यानी के निराशा, और उसका उल्टा होता है होप. होप यानी के आशा. उम्मीद करती हूँ ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. यदि आपको समझ आ गई है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड लाइक इट इफ यू रियली अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.